please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. एक और बड़ी खबर जो अमित कुमार सिंह हम तक पहुंचा रहे हैं। हरियाणवी डांसर सिंगर हर्षिता दहिया के जीजा दिनेश को पानीपत पुलिस ने 4 दिनों के रिमांड पर ले लिया है। बता दें कि हर्षिता की बहन और दिनेश की पत्नी लता ने यह आरोप लगाया था कि उसके पति ने पहले उसकी मां को मार दिया और अब हर्षिता की भी हत्या करवा दी। लता के मुताबिक दिनेश ने जेल से ही हर्षिता के मर्डर की यह पूरी साजिश रची थी। दिनेश रेप के आरोप में जेल में बंद था। तो 4 दिनों की पुलिस रिमांड पर हर्षिता के जीजा को लिया गया है। आपको बता दें कि हर्षिता की जो बहन है उसी ने खुद ये बात कही थी कि उसके पति ने ही यानी कि हर्षिता के जीजा ने ही उसकी हत्या की है। जेल के भीतर बैठकर ही जो पूरी साजिश है वो रची गई है। इससे पहले हर्षिता की मां को भी उसके जीजा ने ही मरवाया था। अमित सिंह और हमें इस पर जानकारी दे रहे हैं। अमित, और क्या कुछ हम यहाँ पर देखे, 4 दिनों की फिलहाल पुलिस रिमांड मिल गई है हर्षिता के जीजा। जी हाँ हिमानी, जिस तरीके से 4 दिन की रिमांड मिली है, इस वक्त पानीपत पुलिस को जो हर्षिता के जो जीजा थे दिनेश और पुलिस ने उन पर ही शक जताया था। यहाँ तक कि जो उसके जीजा की जो पत्नी यानी जो हर्षिता की बहन थी लता, उसका भी शक उसके पति पे ही था कि उसके पति ने ही कहीं हर्षिता का कत्ल कराया होगा या हो सकता है। वजह ये साफ था कि जिस तरीके से दिनेश ने ही हर्षिता की माँ का भी कत्ल कराया था और उस केस में हर्षिता गवाह थी, तो ये एक बड़ा वजह माना जा रहा है। और फिलहाल जिन दो सूत्रों ने, जिन पर आरोप है कि उन्होंने हर्षिता को गोली मारी थी, उन दो सूत्रों के लिए भी तलाश जारी है पानीपत पुलिस लगातार रेड कर रही है और ज्यादा जानकारी दिनेश से पुलिस निकालने की कोशिश कर रही है कि आखिर वो दो सूत्रों से संपर्क में कैसे आया। तो फिलहाल हर्षिता हत्याकांड में पुलिस पूछताछ करेगी। 4 दिनों की रिमांड मिल चुकी है दिनेश दहिया। और बड़ी खबर, दिल्ली में दिवाली के बाद प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ गया है। दिल्ली एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर रोक के बावजूद लोगों ने दिवाली के मौके पर जमकर आतिशबाजी की, जिसकी वजह से दिल्ली और आसपास के इलाके में कई जगह धुंध छा गई और कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ गया। दिल्ली के शादीपुर इलाके में हवा बेहद खराब है। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के दफ्तर के बाहर और यहां पर एयर क्वालिटी का एक बोर्ड लगा हुआ है और आप इस बोर्ड पर देख पाएंगे कि यहां पर जो भी दिल्ली के कई इलाकों का जो एयर क्वालिटी के बारे में यहां पर बताया गया है इस बोर्ड में, ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के दफ्तर के ठीक बाहर ये बोर्ड लगाया गया है और किस तरीके से दिवाली के बाद जो एयर क्वालिटी है वो दिल्ली की खराब हो गई है। वेरी पुअर एयर क्वालिटी इस वक्त दिल्ली की है, जो कि सांस लेने के लिए, सेहत के लिए, आम लोगों के लिए वो काफी परेशानी होगी, उनके सेहत पर इसका बहुत खराब यानी बहुत बुरा असर पड़ेगा। आप देख सकते हैं, जो यहां पर आप देख सकते हैं लाल रंग में वेरी पुअर नीचे लिखा हुआ है, ग्रीन में गुड है और जो वेरी पुअर रेड कलर में, और आप देख सकते हैं PM 2.5 लोधी रोड का इस वक्त 500 वो की वेरी पुअर है, PM 10 वो भी बहुत पुअर है। यहां पर ये तमाम जो दूसरे के कई जो दिल्ली के कई इलाके हैं, दूसरे इलाके हैं, उसका लगातार यहां पर बताया जा रहा है एयर क्वालिटी के बारे में। दिवाली के बाद ये एयर क्वालिटी और ज्यादा बदतर हुई है। हालांकि कुछ लोगों का ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पिछले साल के मुकाबले इस साल थोड़ी राहत है। जिस तरीके से पिछले साल बिल्कुल ही एकदम विजिबिलिटी नहीं थी, ना के बराबर विजिबिलिटी थी, इसके अलावा लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, आंखों में जलन था, इस बार इस तरीके से बिल्कुल नहीं है। यानी जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की थी दिवाली से ठीक पहले और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था पॉल्यूशन को देखते हुए, उसका असर आम लोगों का मानना है कि इस बार दिवाली पर देखने को मिला है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। दिवाली के मौके पर हुई आतिशबाजी और पटाखे जलाने की वजह से जहां एक और एयर पोल्यूशन बढ़ा है, तो वहीं सड़कों पर भी काफ़ी गंदगी दिखाई दे रही है। मैं इस वक्त आपको पंजाब के मोहाली की तस्वीरें दिखा रहा हूं।
यहाँ सड़कों पर जो आपको नज़ारा दिखाई दे रहा है कुछ ऐसा ही नज़ारा पंजाब हरियाणा में तमाम बड़े शहरों की सड़कों का है, जहाँ पर जमकर आतिशबाजी की गई, लेकिन उसके बाद जो कचरा वहाँ पर फैला, जो पटाखों के अवशेष बचे हैं, उसकी वजह से काफ़ी गंदगी फैली हुई है। तमाम बड़े शहरों की कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। हालांकि कोशिश की गई थी तमाम राज्य सरकारों की तरफ से कि आतिशबाजी का इस्तेमाल कम से कम हो, लोग कम पटाखे जलाएं, लेकिन उसका असर बहुत कम दिखाई दे रहा है और इसी वजह से सड़कों पर इस तरह से पटाखों की गंदगी भी काफ़ी दिखाई दे रही है और जमकर आतिशबाजी की गई है। पंजाब हरियाणा की हम बात करें, चंडीगढ़ की बात करें, तो यहाँ पर तमाम बड़े शहरों में जमकर आतिशबाजी की गई, पटाखे जलाए गए। हालाँकि हाईकोर्ट का निर्देश ये था कि शाम को दिवाली के दिन शाम 6:30 बजे से लेकर रात 9:30 बजे तक ही पटाखे जलाए जा सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद देर रात तक पटाखे बजाए गए, लोगों ने जमकर आतिशबाजी की और इसी का असर दिखाई दे रहा है कि सड़कों पर भी काफ़ी गंदगी जमा हो चुकी है, जिसको साफ़ करने की जो तमाम स्थानीय प्रशासन है कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सड़कों पर काफ़ी गंदगी पटाखों की वजह से फैली हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। पंजाब के मोहाली से कैमरामैन चमन के साथ मोहित मल्होत्रा, न्यूज़ 18 इंडिया। सफाई का क्या आलम है, खासतौर पर भोपाल में हिंदुस्तान का नंबर 2 सबसे साफ शहर। ये वो जगह है बिट्टन मार्केट। बिट्टन मार्केट में यहाँ बीते 4 दिनों से यहाँ पर पटाखों की दुकानें चल रही थी और पटाखों की दुकानें अच्छी बिक्री हुई और दीपावली के दिन पटाखों की दुकानों की कुछ दुकानें बंद हो गई, कुछ दुकानें अभी भी खुली है। लेकिन बिट्टन मार्केट का, भोपाल का सबसे पास अरेरा कॉलोनी इलाका, उसके बीचों बीच बना ये बिट्टन मार्केट, और बिट्टन मार्केट में गंदगी का आलम देखिए। कोई नगर निगम का कर्मचारी, कोई सफाई का यहाँ पर एक भी कर्मचारी फिलहाल हमारी नज़र में तो नहीं आ रहा है कि जो सफाई करे, जो मैदान को साफ करे। और ये आलम सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं है, खासतौर पर भोपाल के लिए सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि भोपाल हिंदुस्तान का इंदौर के बाद सबसे साफ शहर है। सर्वे में भोपाल को बीते साल के सर्वे में सबसे साफ शहर में माना गया था, लेकिन देखिए गंदगी देखिए। जब हम मैदान से बाहर निकलते हैं तो ये मेन रोड आ जाती है, विक्टर मार्केट के सामने से भोपाल के पॉश अरेरा कॉलोनी इलाके से गुजरती हुई ये मेन रोड है, और मेन रोड पर दीपावली के दूसरे दिन, दीपावली की अगली सुबह पर ये गंदगी का आलम देखिए। ख़त्म गंदगी यहाँ नहीं होती है, देखिए बीच सड़क पर, बीच सड़क पर ये गंदगी का आलम देखिए कि जिस तरह से लोग मतलब अगर भोपाल के ऊपर नाश करते हैं कि नंबर 2 सबसे अच्छा शहर है, हम भोपाल के बाशिंदों से पूछते हैं सर ये जो गंदगी देखते हैं, और भोपाल तो देश का सबसे दूसरे नंबर का सबसे अच्छा शहर है। नहीं सर, मैं इस बात से तो सहमत हूँ, पर जिस प्रकार से क्या है कि थोड़ा सा इनको भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, नगर निगम वालों को, जिस प्रकार से ये कचरा वगैरह हो रहा है और ये जिस प्रकार से फुटकर पे लोग जिस प्रकार से बिठा दिए, नगर निगम के ही मतलब ये रसीद वगैरह भी काटते हैं, प्लस इन लोगों को देखना चाहिए सब चीज़ गंदगी वगैरह की। गंदगी होती है कहीं ना कहीं नगर निगम के खुद लोग, नगर निगम के मतलब नगर निगम के, जब अगर नगर निगम आवंटित कर रही है तो नगर निगम को ये चाहिए कि भैया जिस प्रकार से ये लोग काम कर रहे हैं, मतलब ये देखिए अब ये जिस प्रकार से देखिए पूरी ने लगा के रखी, तो ये साफ़ सफाई उनकी जिम्मेदारी है, उनको बोलना चाहिए या फिर उनको या खुद उनके कर्मचारी उनको साफ़ करना चाहिए, मेरा ये मानना है। कर्मचारियों को साफ करना चाहिए, ये गंदगी की तरफ इशारा कर रहे हैं भोपाल के नागरिक हैं, रास्ते से गुजर रहे थे, लेकिन उनके मन में क्या ख्याल है सफाई को लेकर ये हमारे साथ है। रास्ते से गुजर रहे थे लेकिन उनके मन में क्या ख्याल है सफाई को लेकर ये हमारे सामने है। ये मेन रोड पर आप देखिए लगातार गंदगी फैली हुई है, तो ये आलम हिंदुस्तान के सबसे अच्छे यानी नंबर 2 शहर जो साफ है भोपाल का है। मनोज शर्मा, भोपाल, न्यूज 18 इंडिया। और बड़ी खबर इस वक्त उत्तर प्रदेश से, जहां योगी सरकार के एक आदेश से सूबे में दोबारा वीवीआईपी कल्चर को बढ़ावा मिल सकता है। दरअसल उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के लिए सरकारी दफ्तरों में जनप्रतिनिधियों के आने पर स्वागत के लिए दिशा निर्देश जारी किया गया है। इस आदेश के मुताबिक अगर सांसद या विधायक मिलने आते हैं तो अधिकारियों को खड़े होकर उनका स्वागत करना होगा और विदा भी खड़े होकर ही करना होगा। इसके अलावा अधिकारियों से माननीयों के फोन कॉल्स भी रिसीव करने को कहा गया है और किसी वजह से कॉल ना लेने ले पाने पर वापस कॉल करने का भी निर्देश दिया गया है। तो अधिकारियों को योगी सरकार का ये फरमान है। उत्कर्ष हमें और विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। उत्कर्ष, क्या देखें, कैसे देखें, क्या दोबारा वीवीआईपी कल्चर को इससे बढ़ावा नहीं मिलेगा, फिर क्या होगा मुख्यमंत्री की उस बात का जब वो खुद कहते हैं कि नहीं इस तरह से कोई चीज नहीं होनी चाहिए।
बिल्कुल हिमानी, देखिए सबसे पहला वो राज्य उत्तर प्रदेश था जिसने कहा था प्रधानमंत्री के फैसले के बाद कि लाल बत्ती हटनी चाहिए और एक कदम आगे बढ़ते हुए यहाँ तक कहा था कि सरकारी गाड़ियों से हूटर हटना चाहिए। लेकिन उसके बाद उत्तर प्रदेश में ही टोल टैक्स में वीवीआईपीओं के लिए एक अलग लेन बनाने की बात आई, वो फैसला वापस लिया गया। अब लगातार विधायक या सांसद जो शिकायत करते हैं कि सरकारी अफसर उनकी बात नहीं सुनते, बजाय इसके कि अफसर को कहा जाता कि वो जनप्रतिनिधियों की बात सुने और सही तरीके से उसका समाधान करें, उन्हें किस तरीके से उनके साथ पेश आना है इसको कर एक बड़ा लंबा चौड़ा दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है, जिसमें फोन उठाने की किस तरीके से फोन उठाया जाए, किस तरीके से उनके आवेदन लिए जाएं, उसको एक्नॉलेज किया जाए, जब वो जाएं तो खड़े होकर विदा किया जाए, जब वो आएं तो अपनी कुर्सी छोड़कर खड़े हुआ जाए और अगर उनको प्राथमिकता दी जाए, ये तमाम चीजें शामिल है। कहीं ना कहीं ये वीवीआईपी कल्चर की ओर इशारा भी करती है, साथ ही साथ खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं कि सरकारी दफ्तरों में आम आदमी के लिए शुरुआती एक या दो घंटे होने चाहिए, उसको तवज्जो मिलती कम दिखाई दे रही है, बल्कि जनप्रतिनिधियों की बात सुनी जाए उसको तवज्जो मिलती ज्यादा दिखाई दे रही है। ओवरहॉल करता हुआ नजर आ रहा है ये पूरा आदेश। बिल्कुल उत्कर्ष, शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से जिस तरह की ये चीज सामने आ रही है, आदेश सामने आया है, उससे ऐसा लगता है कि दोबारा से फिर वही वीवीआईपी कल्चर उसको बढ़ावा मिल सकता है।